ये भागी चली गई, अब ये रुकने वाली नहीं है, इसे पता नहीं है कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, कहाँ तक ये डिफेंस करती है, ये नहीं रुकेगी भाई साहब, ये रुकने वाली है ही नहीं, ये देखो भागी चली गई, भागी चली गई, ये इसका बस चलता ना ये मर गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉट गेमिंग। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्लैश ऑफ क्लैन के ग्लिच के बारे में, जिसमें हीरोज ग्लिच हुआ है और वो ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मुझे आपको एक बात करनी है, दोस्तों मेरी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं थैंक्स टू यू, एंड अच्छे खासे लाइक्स भी आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और भी इंटरेस्टिंग गेम्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टाउन हॉल 14 का बेस है, इस पर हम क्वीन वॉक करेंगे, क्वीन वॉक अटैक करेंगे, और देखिएगा दोस्तों अटैक बिल्कुल सही से जा रहा होगा, बहुत अच्छे से अटैक जा रहा होगा, और एकदम से बीच में एक ग्लिच होगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वो ग्लिच बहुत ही ज़्यादा हमारे अटैक पर इफेक्ट डालेगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे फर्क पड़ेगा हमारे अटैक पर। लेकिन दोस्तों इस अटैक से ना अटैकर को तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो डिफेंडर है उसके तो मज़े हो जाएंगे, चांदी चांदी है इस ग्लिच से डिफेंडर के, जो डिफेंस कर रहा होगा, जिसका बेस जो है डिफेंड कर रहा होगा, उसके लिए तो चांदी चांदी है इस ग्लिच में। अब आप देखिए दोस्तों क्वीन का जो स्टोन है वो किस जगह पर रखा हुआ है, क्वीन का स्टोन जो है, और उसके बाद वो कितना एरिया कवर करती है डिफेंस में, कितना डिफेंड करती है एरिया को, और दोस्तों उसके बाद आप देखना कि क्वीन जो है वो डिफेंड करते हुए कहां तक चली जाएगी। ये देखिए अभी तो वो अपने ही एरिया में है बिल्कुल, और वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है, सब कुछ सही जा रहा है, अटैक भी सही जा रहा है, ऐसी कोई रॉ नहीं है। लेकिन अभी ये सारे बलून्स को गिराने के बाद अब देखिए ये भागी चली गई, ये चीती एकदम उसके पीछे पीछे भागी चली गई, अब ये रुकने वाली नहीं है, इसे पता नहीं है कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, कहाँ तक ये डिफेंस करती है, ये नहीं रुकेगी भाई साहब, ये रुकने वाली है ही नहीं, ये देखो भागी चली गई, भागी चली गई, ये इसका बस चलता ना ये मर गया, अगर ये नहीं यहाँ पर डैमेज होता है इसका बस चलता है, ये तो भाई साहब बेस छोड़ के भाग जाती, बेस के पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाती, घर में इसको फोड़ के जाती है, ये ग्लिच है देखो दोस्तों। लेकिन इससे आपके अच्छे खासे अटैक पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि क्वीन जो है अच्छा खासा डैमेज देती है, आप कोई भी अटैक करोगे और आपके अटैक की बैंड बच जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाता रहूँ।